नए साल में चुप्पी तोड़ें, चलो हवाओं का रुख मोड़ें। गूंगे कब तक बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे बहरे, हम दो आँखों वाले अंधे, भीड़ भाड़ के नकली चेहरे। छोड़ें छोड़ें अब पाखंड साथियों, आओ खुद को खुद से जोड़ें, नए साल में चुप्पी तोड़ें। बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी जिनको आपने सुना, अगर उनके लिए मैं ये कहूँ कि बचपन खिली धूप सा कैसे अनजाने गहन लग गया, होठ खामोश से हो गए, हंसी कौन रहन रख गया। बचपन को अंधेरे से उठाकर रोशनी में लाने की एक कामयाब कोशिश, बाल मजदूरी के अभिशाप को खिलखिलाते बचपन से आज़ाद कराने की मुहिम का नाम है कैलाश सत्यार्थी। उनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से उन्हें मिला नोबेल पुरस्कार। शख्सियत में आज मुलाकात कैलाश सत्यार्थी से। मुक्ति के लिए उठो, न्याय के लिए उठो, कि चल पड़ा है आज ये जहां, निकल पड़ा है मुक्ति कारवां। मजदूरी बच्चे करें क्यों, क्यों पिता को नहीं रोजगार। घुट रहा है बचपना, लुट रहा है बचपना, गरीबी के नाम पर गिरवी रखा बचपना। चाहिए था जिनको सिर्फ प्यार, चाहिए था जिनको सिर्फ प्यार, आज होगा इसका फैसला। मुक्ति के लिए उठो, न्याय के लिए उठो। कदम जो थके नहीं, कदम जो आगे बढ़ते रहे। एक शख्सियत लेकिन तबीयत से सरल, सहज और मिलनसार, दिल में इंसानियत का जज्बा और मोहब्बत का पैगाम। That the shackles of slavery can ever be more stronger than the quest for freedom, I refuse to accept here. आंखों में बेशुमार सपने उन हजारों बच्चों के लिए जो आज भी हाशिए पर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जीवन का हर पल हर लम्हा समाज को समर्पित कैलाश सत्यार्थी। माटी के इस लाल का जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। पिता पुलिस सेवा में रहे और मां ने बड़े ही जतन से कैलाश का लालन पालन किया। बचपन से ही भेदभाव, ऊंच नीच जैसे सवाल उनको दुखी करते रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन में ज्यादा मन नहीं रमा और 1980 में मानव दासता के कलंक को मिटाने के अभियान की शुरुआत की। इस एक मिशन में मिला परिवार का भरपूर साथ और यहीं से शुरू होता है बचपन बचाओ आंदोलन का यादगार सफर। बाल श्रम विरोधी विश्व आंदोलन ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की प्रणेता और महानायक रही कैलाश सत्यार्थी और इस आंदोलन से जुड़े 144 देश। बचपन बचाओ आंदोलन का ये सफर आसान ना था, इसमें मुश्किलें थी, जान का जोखिम था, पर वो डटे रही। बाल श्रम के साथ साथ लड़कियों को दलालों के चंगुल से छुड़ाना आसान काम तो ना था, लेकिन वो और उनके साथी इसे काम में लगी रही, कोशिशें करती रही, मजबूरों, गरीबों और दम तोड़ते बचपन को सहेजने सवारने का सार्थक प्रयास। देश विदेश में उन्हें नामी गिरामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और वो वक्त भी आ गया जब हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी, जब उनका नाम जुड़ा नोबेल शांति पुरस्कार से। I call upon Kailash Satyarthi to come forward to receive the gold medal and the diploma.
तबीयत में सादगी इतनी कि कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार राष्ट्र को समर्पित कर दिया और नोबेल पुरस्कार से मिली राशि दुनिया के उन तमाम बच्चों में संस्थाओं के जरिए बांट दी जिन्हें सही मायने में इनकी जरूरत थी। बचपन बचाओ आंदोलन के तहत आज भी वो बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत कैलाश जी, बहुत धन्यवाद समीना जी, बहुत दिनों बाद आप हमारे लिए वक्त निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। शुरुआत आप ही के अपने बचपन से करेंगे, विदिशा से आप आते हैं, कुछ वहाँ के बारे में बताइए, माता पिता के बारे में बताइए, और बचपन कैसा था, खिलंदरा था, सीधा सादा सा था, या कुछ तब भी कुछ क्रिएटिव करते रहते थे आप? मैं एक बहुत साधारण परिवार से आता हूँ, गरीब तो नहीं थे हम लोग, लेकिन बहुत अमीर भी नहीं थे। मेरे पिताजी पुलिस में एक कांस्टेबल थे जब मैं पैदा हुआ, और जब रिटायर हुए तो वो एक हेड कांस्टेबल की तरह रिटायर हुए। मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, अच्छा, घर में रहती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा आदर्शवादी थी, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करती थी। इसका असर मुझ पर पड़ा। जिस मोहल्ले में मैं पैदा हुआ और रहा वो एक बड़ा मिला जुला मोहल्ला था, जिसमें एक तरफ एक मंदिर था एकदम हमारे घर के सामने और दूसरी तरफ मस्जिद थी और मुसलमानों की बस्तियां थीं। क्या बात है। तो दोनों तरफ बहुत मुसलमान परिवार रहा करते थे और एक तरफ हिंदू परिवार। तो हमारे घर में सभी तरह के लोग, बच्चे भी आते थे, सब लोग आते थे, और मेरे माता पिता या मेरे बड़े भाई उनकी कभी रोक टोक नहीं रखते थे। यहाँ तक कि बचपन में मैंने हिंदी या अंग्रेज़ी बहुत बाद में सीखी और उर्दू पहले पढ़ना शुरू कर दिया। वो कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ जो मस्जिद में मौलवी साहब थे वो बच्चों को घेर के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, तो हमें उर्दू का पहला कायदा, दूसरा कायदा ऐसे सिखाना शुरू कर दिया। अच्छा। हमें भी रुचि आने लगी। स्कूल में तो बाद में दाखिला हुआ, लेकिन ये बात है 3-4 साल के जब हम हुआ करते थे, तो इस तरह की परवरिश हुई बचपन में। फिर बचपन से ही मैंने सुना कि आप ज़रूरतमंद बच्चों का बड़ा ख्याल रखते थे, आपने उन लोगों के लिए लाइब्रेरी भी बना दी कहीं ना कहीं से किताबें लाकर। तो ये जो एक बचपन से आपके अंदर एक खिदमत का जज्बा था, ये कहाँ से आता है? कहीं आप, मैंने सुना आप गांधी जी से भी बहुत प्रभावित रहे। मेरे स्कूल का पहला दिन ही मेरी आत्मा को जगाने वाला दिन था, जब हम लोग बहुत नए कपड़ों, नई किताबों, नए सपनों के साथ स्कूल जा रहे थे। तो मैं जब स्कूल के अंदर जा रहा था तो मैंने देखा मेरी ही उम्र का एक बच्चा जूते पॉलिश कर रहा था अपने पिताजी के साथ बैठकर, और हमारी तरफ टुकटुकी लगाकर देख रहा था कि शायद हम उसे कोई काम दे दें। लेकिन पहला दिन था स्कूल का, जाहिर है कि सबके जूते एकदम नए जूते थे, तो वो देखता रहा। मैं उसकी आंखों को कभी भूल नहीं पाता हूँ। और जब मैं अंदर गया तो पहला सवाल मैंने अपने शिक्षक से पूछा, मास्टर जी एक बच्चा बाहर बैठा है, वो हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है? तो मास्टर जी ने कहा, अरे बैठो बैठो, ये तो गरीब के बच्चे हैं, काम करते हैं, आम बात है। मेरा मन नहीं माना, मैंने अपने प्रधानाध्यापक से पूछा जो मेरे परिवार के परिचित थे, अपने घर वालों से भी पूछा, सब ने यही कहा कि गरीब के बच्चे हैं, काम करते हैं, अमूमन कोई नई बात नहीं है। लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन में मैं अपने पूरी हिम्मत को जुटाता रहा और सीधा मैं उस बच्चे और पिता के पास पहुँच गया स्कूल से आते वक्त, और मैंने उनसे पूछा, बाबूजी आप अपने बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेजते? तो एकदम उठ के खड़े हो गए, बोले नहीं बाबूजी तो आप हैं। मैं तो अपने संस्कार की वजह से उनसे बाबूजी कह रहा था, लेकिन जात पात इतना गहरा था। वो बोले कि मेरे दादा, परदादा, पिता, मैं सब बचपन से काम करते हैं, यही काम जूता गांठने का, और अब मेरा बेटा कर रहा है। फिर बहुत दुख और करुणाजनक हालत में उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं हैं बाबूजी कि हम लोग तो काम करने के लिए ही पैदा होते हैं। तो मैं 5-6 साल का था और मैं कैसे समझता ये सब चीज़ों को, लेकिन बहुत गहरे से मेरे मन में ये एक चुनौती की तरह आ गया कि क्यों कई बच्चे काम करने के लिए पैदा होते हैं और हम जैसे बच्चे सपने देखकर बड़े बनने के लिए पैदा होते हैं। तो दुनिया को देखने का मेरा जो नज़रिया था उसमें एक बड़ी तब्दीली उसी समय से आ गई, और एक नए तरीके से मैं दुनिया को देखने लगा, और मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है आसपास हमारे, भेदभाव है, भेदभाव है, जात पात है, ऊंच नीच है, ये सब चीज़ मेरे
ذہن میں آ گئی بچپن سے ہی. تو میں دیکھتا تھا کہ ہر سال میں آ جاتا ہوں فرسٹ اور میری کتابیں بیکار چلی جاتی ہیں, میرے دوستوں کی کتابیں بیکار چلی جاتی ہیں. تو میں نے ایک دوست کو تیار کیا اور جس وقت رزلٹ نکلنے والا تھا, جس دن 30 اپریل کو نکلتا تھا رزلٹ, تو ہم نے ایک ٹھیلا کرائے پہ لے لیا جو ہمیں مٹھائی کھانے کے لیے پیسے ملے اس سے ہم دونوں نے, اور باری باری سے ہم لوگ ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے چلانے لگے. ہمارے محلے میں تو ہم تھوڑا ڈر رہے تھے کہ ماتا پتا وہاں پریوار کے لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں بھیک مانگنے کا کام, تو دوسرے محلوں میں شروع کیا. تو پھر میں اپنا جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ دیکھیے ان بچوں کے بارے میں سوچیے جن کے ماں باپ ان کے کتابوں کا انتظام نہیں کر سکے, تو آپ مہربانی کر کے, آپ کی کتابیں تو بیکار چلی جائیں گی, آپ کے بچے تو اگلی کلاس میں چلے گئے, تو اس ٹھیلے میں ڈال دیجیے. تو سمینا جی وہ زندگی بدلنے والا واقعہ تھا. کیلاش شرما سے کیلاش ستیارتھی کیسے بنتے ہیں؟ یہ بھی بڑا مشکل معاملہ تھا. میں گاندھی جی سے پربھاوت تھا بہت زیادہ, اور تمام سارے دیش کے نائکوں سے, سبھاش چندر بوس سے, بھگت سنگھ سے, اشفاق اللہ خان سے, یہ سب ہمارے مہان نائک تھے, چندر شیکھر آزاد وغیرہ, ان سے سب سے جو بچے پربھاوت ہوتے ہیں. اس سمے تو وہ دور تھا کہ راشٹر پریم کا جذبہ زیادہ ہوا کرتا تھا. تو 1969 میں پورا ملک گاندھی جی کی جنم شتابدی منا رہا تھا, تو ہمیں زیادہ سننے دیکھنے کو ملا گاندھی جی کے بارے میں. تو میرے من میں آیا کہ میں بھی اب پولیٹکس کروں گا اور گاندھی جی کی راستے پہ چلوں گا, کیونکہ ہمارے گھر والے چھواچھوت کو مانتے ہیں, ہمارے پڑوسی چھواچھوت کو مانتے ہیں, جو مہترانیاں کہتے تھے ہم انہیں ان دنوں صاف کرنے کے لیے جو آتی تھیں سڑکیں اور شوچالے, ان کو دور سے روٹی پھینکی جاتی تھی. تو مجھے بڑا اس میں ایک غصہ اور دکھ ہوتا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ نئے طریقے سے گاندھی کی شتابدی منائی جائے. وہاں نیتاؤں کو ہم نے آمنترت کیا کہ وہ آ کے دلتوں کے ہاتھ کا بھوجن کریں, جو اچھوت مانے جاتے تھے ان کے ہاتھ سے بھوجن کرے. ہم اچھوت بہنوں کے گھر گئے, ان کے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ اب کسی طرح آ کے کھانا پکائیے. انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اس ہمیں دور سے لوگ چھوتے تک نہیں, ہماری پرچھائی تک نہیں مندروں کے آس پاس آتی ہے, تو ہمیں کیسے آپ بنانے کے لیے بلا رہے ہو. 7 بجے کا ٹائم تھا, 7:30 بج گئے, 8 بج گئے, 8:30 بج گئے, جب کوئی نہیں آیا تو ہم لوگ سائیکل اٹھا کے, 5-6 ہمارے دوست تھے جو اس بات کے لیے راضی ہو گئے تھے, تو ہم چلے گئے ادھر ادھر کہ شاید ہم نے کچھ غلط جانکاری دے دی. تو ہم جا کے ان کو بلاتے ہیں, نیتاؤں کو دوبارہ خبر کرتے ہیں. تو کسی نے کہا ہمارا آج پیٹ خراب ہے, آج نہیں آ پائیں گے. دوسرے کے پریوار نے کہا کہ چلو چلو نیتا جی ابھی ویست ہیں لیکن آ جائیں گے, بہت جیسا ہوتا ہے. تو ہم سوچ رہے تھے 2-4 تو آئیں گے ضرور, لیکن 10 بج گئے, 10:30 بج گئے, کوئی نہیں آیا. لیکن وہ جو 2-3 گھنٹے تھے وہ ہماری سوچ کو, ہمارے نظریے کو بدلنے کے لیے بہت ہی نیا روپ دے گئے, کیونکہ ہمیں لگنے لگا کہ کتنا پاکھنڈ ہمارے سماج میں, ہم بولتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, ہوتا کچھ ہے. تو کھانا پکا, کوئی کھانے کے لیے نہیں آیا. ہم لوگوں نے رات کو قریب 10-10:30 بجے کے بعد کھانا اٹھا کے کھانا شروع کیا, اور غصے اور دکھ کے مارے ہم لوگ آپس میں بات نہیں کر پا رہے تھے, ان بہنوں اور ماؤں کے سامنے ہم بولنے کی ہمت نہیں رکھ رہے تھے. جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ وہاں پر بڑی جات کے یہ براہمن ٹائپ کے, پنڈے پجاری ٹائپ کے لوگ, ہمارے رشتہ دار وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے, اور رات کو, آدھی رات کو انتظار کر رہے تھے میرا. سب لوگ مجھ پہ برس پڑے. میں نے بھی ان سے بحث کی کہ بھائی میں نے تو کوئی برا کام نہیں کیا, گندگی آپ پھیلاتے ہیں, وہ صفائی کرتے ہیں, پھر وہ گندے کیسے ہو گئے. انت میں سب نے کہا کہ چلو پریوار کا دوش نہیں, یہ لڑکا ہی شیطان ہے, اس کو گنگا میں بھیجیں گے رشی کیس میں, وہاں سے ڈبکی لگا کے آئے گا, بال کٹیں گے, یہاں پر 101 براہمنوں کا بھوج ہوگا, سب کے پیر دھو کے پیے گا. تو میرے پریوار کے لوگ راضی ہو گئے, چلو نجات ملی اس سے, پاپ سے مکتی ملی. تو میں تو بگڑ گیا, میں نے کہا بھائی یہ تو نہیں کروں گا میں, چاہے کچھ ہو جائے. تو سب نے کہا کہ اس کو بہسکرت کر دیتے ہیں, جاتی سے نکال دیتے ہیں. تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا رہا رات بھر غصے میں, سوچتا رہا کیا کروں. تو میرے من میں آیا کہ یہ مجھے جاتی سے کیا نکالیں گے, میں پوری جاتی کو ہی اپنے جیون سے نکال دیتا ہوں. تو 15 سال کی آیو تھی میری, 15 سال میں میں ذرا اپنا نام کوئی سوچ نہیں پایا نیا, لیکن میں نے دھیرے دھیرے سوچنا شروع کیا. تو کچھ سال بعد پھر میں نے اپنا نام ستیارتھی کر دیا اور وہ نام ہٹا دیا. تو
तो लोग जानते भी नहीं हैं। अब तो जब ये नोबेल प्राइज मिला तो विकिपीडिया वगैरह यहाँ वहाँ लोगों ने खोज निकाला, नहीं तो कोई जान नहीं सकता था। तो कौन सी ऐसी घटना थी जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया कि आपको इन बच्चों के लिए काम करना है? बचपन से ही जैसा मैंने कहा कि मैं कुछ करने की इच्छा रखता था, लेकिन मुझे रास्ता पता नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक हमारे मुल्क में या कहीं भी इस मुद्दे पर कहीं कोई काम नहीं होता था। तो मैं इंजीनियर बन गया क्योंकि मेरे माता पिता ये चाहते थे। मेरी माँ ने तो अपने गहने तक बेचे मुझे इंजीनियर बनाने के लिए, लेकिन मैंने उनके हाथ जोड़कर कहा बाद में, जब मैं पढ़ाता रहा कॉलेज में, डेढ़ साल तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लेकिन तब मैंने धीरे से उनसे कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा और मुझे बच्चों के लिए कुछ करना सोचना है। तो मैंने एक पत्रिका अपने कुछ मित्रों के साथ उनकी मदद से यहाँ दिल्ली में आके निकालना शुरू किया। तब तक मेरी शादी भी हो गई थी। तो एक पत्रिका हमने निकाली, संघर्ष जारी रहेगा। वो एक नए प्रकार का प्रयोग था जो भारत में, जब मानव अधिकार की पत्रकारिता जन्मी नहीं थी, तब हमने उस पर पूरा का पूरा फोकस बच्चों और महिलाओं पर रखते हुए संघर्ष जारी रहेगा एक पाक्षिक पत्रिका निकाली। एक दिन अचानक एक बूढ़े से देखने वाले सज्जन आए, लिपट के रोने लगे, बाबूजी मेरी साबो को बचा लो, मेरी साबो को बचा लो। तो मैं सुन के हैरान हुआ कि 17 साल पहले उन्हें अलीगढ़ के पास एक गांव से कुछ लोग बहला फुसला कर पंजाब में सरहिंद के एक ईंट भट्टे पर ले गए, और भट्टे पर 17 साल में उन्हें कभी कोई मजदूरी नहीं मिली, कभी जाने का मौका नहीं मिला बाहर निकलने का। तो उनकी बेटी करीब 14-15 साल की हो गई साबो। एक दिन माँ ने देखा कि कुछ लोग, दिल्ली के दलाल लोग जो वेश्यालयों के हैं, कोठे के दलाल, वहाँ आए हुए हैं और वो लड़की की टटोल टटोल कर जांच कर रहे हैं कि कितने में ख़रीद सकते हैं वो, और ये बेचने की कोशिश कर रहा था आदमी। तो जब मैं सुन रहा था समीना जी, तो मुझे लगा कि अगर मैं इस बच्ची का पिता होता या भाई होता तो मैं लिखा पढ़ी नहीं करता, मैं उसी समय जाता। मैंने उनको कहा कि वासल खान, हम आपके साथ चलेंगे और आपकी बेटी को छुड़ाएंगे। बोले बहुत ख़तरनाक है। खैर हम किसी तरह चले गए, हमारे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, कैसे करें ट्रक का इंतज़ाम ताकि सबको लाया जा सके, अकेली उसी बेटी को नहीं। कुछ दोस्तों के ज़रिए हम वहाँ पहुँचे, दोस्त भी हमारे साथ गए। वहाँ पर हमारे साथ मार पिटाई हुई, धक्का मुक्की हो गई, हमको वापस खाली हाथ आना पड़ा। लेकिन खाली दिल से हम वापस नहीं आए, हमारे मन में आया कि इसको हम छोड़ने वाले नहीं, मुद्दे को, बेटी को हम बचा के रहेंगे और सब बेटियों को, सब बच्चों को जो वहाँ पर थे। तो हमने किसी मित्र वकील की मदद से यहाँ एक कोर्ट में केस किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि उनको हैबियस कॉर्पस जो चला आ रहा था उसके तहत उनको सबको मुक्ति मिली। और वो लड़की जब छूटी 15 साल की, तो यकीन मानिए कि मुझे लगा कि मैं खुद को मुक्त कर रहा हूँ। ब्यूटिफुल। हाँ, फिर तो बहुत सूचनाएं आने लगीं, लोग खबरें करने लगे और फिर हजारों बच्चे छूट गए। कुछ लोग आपके अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफर को देखा है, हमने उन्हें अपने इस कार्यक्रम से जोड़ा है। मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें फिर अपनी राय से हमें नवाजे। आइए देखते हैं। भाई साहब नमस्ते। हम लोगों की मुलाकात पहली बार मिर्ज़ापुर में हुई थी 82-83 के आसपास, और आपके कहने पर मैं दिल्ली भी आ गया। वहाँ मिर्ज़ापुर में भी आपके साथ काम करता रहा। यहाँ आने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी अब तक की, वो थी ग्लोबल मार्च जो आपके प्रयास से ऑर्गेनाइज हुई थी। लोग आज भी आश्चर्य करते हैं कि सारी दुनिया की यात्रा आप लोगों ने कैसे की फिजिकली, लेकिन आपका प्रयास था, आपकी सूझबूझ थी कि हम लोगों ने दुनिया के 103 देशों की यात्रा की। आपको इसका श्रेय है कि आपने सारी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट किया, लोगों को कन्विंस किया, और जहाँ भी गए हम लोगों का लोगों ने ज़ोरदार स्वागत किया। आपने जो एक बीड़ा उठाया है कि सारी दुनिया से बाल मजदूरी ख़त्म करके रहेंगे, हम ये हमारी ये इच्छा है, हमारी ये शुभकामना है कि आपके जीवन काल में सारी दुनिया से बाल मजदूरी ख़त्म हो जाए, हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा आज़ाद रहे और एक अच्छा नागरिक अपने देश का बने। नमस्कार भाई साहब। मुझे वो दिन याद आता है जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में पहली बार जब मिला आपसे और आपकी बात सैकड़ों छात्रों ने सुना, तो मेरे अंदर एक बात समझ में आई कि इस आदमी के अंदर, दुनिया के अंदर एक मुद्दे को लेकर संघर्ष करने का मादा है। एक जो साधारण व्यक्तित्व है, जो एक सामान्य जीवन जीने की, और एक जो पूरा का पूरा संत का जीवन है, एक
उनके अंदर किन किन विचारों का, किन किन लोगों का समावेश है, ये जानना बड़ा मुश्किल काम है। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? देखिए, इनके बगैर तो ये सब संभव नहीं था। कैलाश जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बहुत काम किया बाल मजदूरी के साथ साथ, फिर जो तस्करी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उस पर भी आपका काम रहा, उन बच्चों को भी कहाँ आपको लगता है कि समाज का कौन सा हिस्सा, कौन सा वर्ग, जहाँ पर इन चीज़ों को रोका जा सकता है पहले ही स्टेप पर? देखिए, किसी सरकार या किसी एक उद्योग धंधे पर या किसी परिवार को दोषी ठहराने से ये बुराई रुकने वाली नहीं है। ये अपराध भी है तो अपराध की तरह देखा जाना चाहिए और कानून अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये विकास का मुद्दा भी है कि बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च हो, बच्चे बेहतर स्कूल में अच्छी पढ़ाई करें। लेकिन साथ साथ एक सामाजिक बुराई भी है कि हमारे सोच में हम या तो बच्चों पर रहम करते हैं, भीख दे दिया, दया दिखा दिया, वो एक बीमारी है मेरे हिसाब से, या दूसरी तरफ हम बच्चों का शोषण करते हैं ये मानकर कि गरीब के बच्चे हैं, इनका शोषण आराम से हो जाएगा, इनसे काम लिया जा सकता है, इनको वैश्यालय पे भेजा जा सकता है, घरेलू नौकर बनाया जा सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जहाँ जहाँ भी सख्त कानून बने और जहाँ जहाँ भी बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई, बजट में ज़्यादा पैसे खर्च किए गए, वहाँ वहाँ बाल मजदूरी का खात्मा हुआ है। लेकिन हम बजट में बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रांतों के स्तर पर भी। अब देखिए कि केंद्रीय बजट का सिर्फ 3.6% पैसा बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी परवरिश पर, रख उनकी सुरक्षा पर खर्च किया जाता है, जबकि 18 साल से नीचे के बच्चों, नीचे की आबादी हमारे देश की जो है वो 41% है। तो 41% के ऊपर 4% से भी कम पैसा हम खर्च करते हैं। कैलाश जी, आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, मैं चाहूँगी आप उन्हें भी देखें और फिर अपनी राय से हमें नवाजें। आइए देखते हैं। 2 अक्टूबर 1976 की, तो ये अचानक एक मतलब हमारे कमरे में आए, और हमारा बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस है और मैं, हमारी एक मैगजीन निकलती जनज्ञान मंथली, तो उसका मैं सब एडिटर थी। तो इनका कोई लेख छपा था हमारी मैगजीन में, तो जब ये आए और इन्होंने बताया, हमने पूछा आपका नाम, तो इन्होंने कहा मेरा नाम कैलाश सत्यार्थी है। तो हम चौंके, मैंने कहा ये कैलाश सत्यार्थी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 20-21 साल का लड़का और इतना उनका जो लेख था वो बहुत ही ज़्यादा गहराई को लिए हुए था, फिलोसफिकल दार्शनिक था, मतलब पूरा वैदिक दर्शन के ऊपर उनका लेख था। तो थोड़ी सी बहस हुई, उसके बाद हमने अंदर पिताजी से मिलवा दिया। थोड़ी अचानक फिर मैं अपने घर चली गई, और घर गई उसके बाद शाम को देखते क्या कि अचानक पिताजी के साथ ये हमारे घर में ही आ रहे हैं। जब परिचय कराया और इन्होंने जो सबसे, पिताजी ने डाइनिंग टेबल पे रात को परिचय कराया, तो इन्होंने सबसे तो इतने अच्छे से बोले और मेरे से ऐसे बोले जैसे बहुत पुरानी मुलाकात हम लोगों की हो रही हो। तो हम बहुत ही आश्चर्य में मैं रह गई, और लगता है कि तभी से प्रेम की शुरुआत हो गई थी। जन्म जन्म का साथ है, तो जैसे अब मिले तो हमेशा ही मिलते रहेंगे। सुमेधा जी, क्या कहना चाहेंगे, जिसे कहा जाए ना आपके हर सुख और दुख के साथी? हाँ जी, उनके बगैर तो ये यात्रा पूरी नहीं हो सकती थी। वो खुद भी बाल मजदूरी के खिलाफ संघर्ष में बड़ी योद्धा रही हैं, खुद छापा मार कर रहे कार्रवाई में भी रही हैं, और अभी पुनर्वास का काम देखती हैं बच्चों के। कैलाश जी, मैं यहाँ पर चलते चलते ये बात ज़रूर जानना चाहूँगी रगमा को लेकर। बहुत से लोगों का ये कहना रहा कि रगमा के आने से जो पीढ़ियों से खानदानों की जो एक परंपरा चल रही थी एक व्यवसाय की, चाहे वो कालीन बनाने का हुनर हो, हैंडब्लॉक प्रिंटिंग हो, बहुत से ऐसे काम हो, उस वो कहीं ना कहीं आहत हुआ, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ। इस पर आप किस तरह से अपनी बात रखना चाहेंगे? देखिए, रगमार्क जिसे आप गुडवीव कहते हैं, वो पहला प्रमाणीकरण का एक ठप्पा था जो हर कालीन के पीछे लगाया जाता था दुनिया में। उस पूरी प्रक्रिया में उसको खड़ा करने के पीछे मकसद ये था कि बच्चों को गुलाम बनाकर उनसे काम ना लिया जाए, उनको दुर्व्यापार करके दूसरी जगहों से लाके और गलीचे या बंधक बना के गलीचा उद्योग में ना धकेला जाए या किसी और भी उद्योग में।
लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो पुश्तैनी उद्योग भी करते थे, बहुत कम, नगण्य। हमने उनको आज़ाद कराने की बात ही नहीं थी, माँ बाप के साथ रहते थे वो। हमने ये कभी नहीं कहा कि बच्चे माँ बाप के साथ रहकर काम ना सीखें, लेकिन एक उम्र है काम सीखने की भी, और सिखाने के नाम पर अगर आप 8 साल के 10 साल के बच्चे से गुलामी कराते हैं तो वो गलत है, गैरकानूनी भी है और अनैतिक भी है, अमानवीय भी है। अगर बच्चा अपनी पढ़ाई कानून के तहत, संविधान के तहत, अब 14 साल तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए सब बच्चों को, वो पूरी करता है, और फिर 15 साल से ऊपर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपना पैतृक हुनर भी सीखता है, तो उसको तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन पैतृक हुनर में दबाव ना हो किसी का, आज़ादी का हनन ना हो बच्चे की, शिक्षा का हनन ना हो अगर वो आगे पढ़ रहा है तो। पुश्तैनी काम सीखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छा ही है, मैंने कभी उसको बुरा नहीं कहा। और पुश्तैनी काम तो कई इतने अच्छे हैं कि दूसरे लोग भी उनको सीखें। मैं तो कहता हूँ स्कूलों में कॉलेजों में सिखाना चाहिए उस तरह के काम। पढ़ लिख कर अगर उस काम को करते रहेंगे तो नए नए और तजुर्बे मिलेंगे और आगे जाने की बात। अगर छोटे बच्चों से उस तरह के काम कराए जाते हैं और बिना पढ़े लिखे वो रह जाते हैं तो आगे वो कभी तरक्की नहीं कर पाते, ना तो अच्छे क्वालिटी का सामान बना पाते हैं वो, ना उद्योग और व्यापार में सफल हो पाते हैं वो, तो तथाकथित शिल्पकार रह जाते हैं वो, लेकिन वो सिर्फ रोजी रोटी कमा सकते हैं, वो आगे बढ़ के विकास में भागीदारी नहीं निभा सकते। चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत भी हम जान लें जो आपको बेहद पसंद रहा हो कैलाश जी। बहुत सारे गीत मैं गुनगुनाता हूँ, मेरी पत्नी तो गायक हैं सुमेधा जी, लेकिन जब हम कहीं बाहर होते हैं और कई बार यहाँ भी, तो हमारे बच्चे और हम दोनों पति पत्नी एक पुराना गीत काबुली वाला फिल्म का सारे मिलके गुनगुनाते हैं, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी तो कैलाश जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।